क्लास 10th सेकेंड हिंदी जो होता है उसका एक दूसरा पार्ट है जिसका नाम है लक्ष्मी ढहते विश्वास। पार्ट का क्या नाम है? ढहते विश्वास। इस पार्ट के लेखक है सात कौड़ी होता। इसमें उड़ीसा का कहानी है, उड़ीसा का वर्णन किया गया है जहां पे बाढ़ से, हर वर्ष बाढ़ से और सूखा से दो चीज से ग्रसित रहता है। इस लेक्चर क्लास को अगर पूरा ध्यान से ऑनलाइन बच्चे हैं या ऑफलाइन ध्यान से सुन लेते हैं तो ए टू जेड बात आपके माइंड में सेट हो जाएगा, आपको अच्छी तरह से आ जाएगा और आप परीक्षा में लगभग एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, कुछ देर का वीडियो बन सकता है लेकिन आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होगा। सबसे पहले आपको याद रखना है पाठ है दो सेकेंड हिंदी ढहते विश्वास, जिसमें लक्ष्मी के बारे में बताया गया। लक्ष्मी एक गरीब लड़की थी और एक गांव में रहने वाली थी। ये पूर्वज के द्वारा छोड़े हुए एक बीघा जमीन को ही अपना काम धाम करके अपना जीवन यापन चलाती थी। इनके पास चार बच्चे थे जिसमें बड़े लड़का का नाम था अच्युत। ऑब्जेक्टिव के लिए पूछा जाता है लक्ष्मी के बड़े बेटा का क्या नाम था? अच्युत, याद रखेंगे सभी लोग। और ये लक्ष्मी की एक बहन थी, चचेरी हो या गांव के या पड़ोसन बहन थी, वो भी इसी गांव में रहती थी और उसके लड़का का नाम था गुणनिधि, जो लक्ष्मी को मौसी मौसी कहा करता था। ठीक है, इस चीज को भी याद रखेंगे, आगे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूरा तरह से चैप्टर आपको आ जाएगा। लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? लक्ष्मण। लॉ से लक्ष्मी और लॉ से लक्ष्मण। लक्ष्मण कोलकाता में नौकरी किया करता था, काम करता था, लेकिन जानते हैं आप लोग मजदूर होते हैं, कितना हो कमाएंगे, 200-400 से अभी वर्तमान स्थिति में उससे ज्यादा नहीं कमाते। उस समय बेचारे जो भी कमाते थे उससे उनका घर का भरण पोषण पूरी तरह से नहीं हो पाता था, जिसकी वजह से लक्ष्मी गांव में एक होता है, कोई थोड़ा बड़े अच्छे परिवार होते उनके यहाँ काम करती थी लड़की। लक्ष्मी किसी के यहाँ क्या करते थे? काम करते, तहसीलदार के यहाँ। तहसीलदार गांव के तो अच्छे होते हैं, जो अमीर तबका के लोग होते हैं उनके यहाँ काम करती थी, कुछ वहां से उनको पैसा मिल जाता था। और पुराने लोगों के द्वारा, उनके ससुर के द्वारा जो छोड़ा गया था जमीन, एक बीघा था, ठीक है, इसको एकड़ में हमने बता रहे हैं, एक बीघा था जिसको, जिस पर वो खेती किया करती थी और उसी से अपना जीवन यापन करती थी। लेकिन वो खेती भी अच्छी तरह से नहीं हो पाती थी क्योंकि हर वर्ष या तो बाढ़ से ग्रसित होता था या फिर सूखा। लक्ष्मी के पास जो छोटे छोटे बच्चा थे, तीन और बच्चे, चार बच्चे थे लक्ष्मी के पास, बड़े का नाम था अच्युत और इनका घर किस नदी किनारे था? देवी नदी के किनारे, ठीक है, वहीं पर एक बांध था, बांध के सटल हो सटा इनका घर था। किनका? लक्ष्मी का। एक बार क्या हुआ, बाढ़ आने की संभावना हो गया, भादो का जब आता है समय आता है ना, सावन भादो, उस समय बारिश काफी आता है, बारिश के मौसम होता है और उस समय बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है और उसी समय बाढ़ आने की संभावना बढ़ गया और बांध टूटने टूटने पर आ गया। जब बांध टूटने पर आ गया तो गाँव के लोग थे वहां पे बोरा में माटी भर भर के, बालू भर भर के उस बांध को क्या कर रहे थे? रोक रहे थे ताकि बांध टूटे नहीं, सब अपना अपना प्रयास कर रहे थे। उसमें अच्युत भी थे, एक लड़का थे जिसका नाम था गुणनिधि, जो लक्ष्मी को मौसी मौसी बोला करता था। इसलिए मौसी बोलता था, पहले ही हम आपको बता दिए थे कि लक्ष्मी के चचेरी हो या फिर जो भी ग्रामीण हो या पड़ोसन बहन लगती थी, उनका शादी भी उसी गाँव में हुआ था जिस गाँव में लक्ष्मी का शादी था। तो इस वजह से गुणनिधि पढ़ाकू लड़का इसलिए कहा गया उनको क्योंकि पढ़ने लिखने में ठीक था। गांव नहीं होता, एक होता है कि सोने पे सुहागा कहिए या कचरे में खिला हुआ कमल कहिए, यानी कि समाज में एक ऐसे बच्चे भी प्रतिभाशाली निकल जाते हैं जो पढ़ने लिखने में अच्छे होते हैं। तो गुणनिधि भी अच्छे थे, पढ़ाकू लड़का थे, समझदार थे, तो उनको पढ़ाकू कहते। तो वो भी सबके साथ, युवा सब था, लड़का दोस्त सबके साथ अपना बांध बांध रहे थे, बोरा माटी भर भर के सब रखे हुए थे, दिन रात पहरा देते थे बांध पर कहीं टूट ना जाए। एक बार क्या हुआ, काफी बांध में पानी इतना भर गया था, बाकी पानी लबालब हो गया था, लबालब मतलब क्या, छलक रहा था। इसी पर एक लोकोक्ति भी है, अधजल गगरी छलकत जाए, इसका बड़ा ही लंबा वर्णन है जो कि स्नातक में यानी ग्रेजुएशन में पढ़ने को मौका मिलता है हिंदी में, अधजल गगरी छलकत जाए का वर्णन करे, पूरे 10 नंबर का क्वेश्चन होता है, हम उस पर विशेष ध्यान नहीं बताएंगे, आकर्षित करेंगे, सीधे सीधे आपको बताएंगे। बाण क्या हुआ, एक बार क्या हुआ, रात के समय बाण उछल लग रहा था कि टूट जाएगा, देवी नदी का बांध क्या लग रहा था, टूट जाएगा। इसी पर क्या हुआ, गुणनिधि अपने दोस्तों के साथ वहां पर था, जब लगा बांध टूट जाएगा
तो गुरु निधि जी बोला संकरा मंकरा अच्युत सब जाओ। अच्युत भी था वहां पे, अच्युत कौन था जानते हो ना, लक्ष्मी के बड़े बेटा थे, बड़े लड़का थे अच्युत। वो बोले जाओ अंकरा मंकरा संकरा, वहां के लड़का सबका नाम था दोसर, जाओ गांव में हल्ला कर दो कि क्या हो गया बांध टूट गया। बेचारा दौड़ते हुए गया, कहा भाग भाग जल्दी, बांध टूट गया, बांध टूट गया, गांव में हल्ला कर दिया। तो लक्ष्मी क्या की, जो गाय भैंसी था उसको रस्सी खोलकर छोड़ दी, बकरी उकरी को, बकरी और रखती थी ऐसी बात नहीं है, अपना रस्सी खोलकर छोड़ दी, और जो सामान था जो साधने लायक था वो ले ली, बच्चा को ले ली गोदी में, और क्या हुआ उस नदी के किनारे बांध था, उस बांध पर चढ़ने लगी ताकि बच जाएंगे। तब तक में पानी उनके कहां ठेहुना भर आ गया था, और अच्युत भी कहीं नहीं था, अच्युत अच्युत करके वो अपना बेचारी भागी, पानी तब तक बढ़ता गया, पूरा दहा गया, और बांध पर इतना लोग खड़ा, बांध पर देखिए टूटा कहां पर था सो ध्यान दीजिएगा, बांध वहां पे टूटा था जहां पर एक तार था, तार क्या हुआ धीरे धीरे उलट गया, उलट गया तार का जर उल्टा, उसी जगह से मिट्टी हटा, वहीं से पानी क्या हुआ बहना शुरू हो गया और बांध टूट गई। अब इतना होने के बाद बांध पर इतना आदमी खड़े हो गए, एक सुई भी गिरने का जगह वहां पे नहीं था, सुई। इस किताब में वर्णन है आपके हिंदी में कि इतना लोग वहां पे भर गए कि सुई भी वहां पर रुकने का जगह नहीं था। स्कूल में एगो दुगो रूम में इतना लोग भर गया जिसका कोई ठिकाना नहीं था, स्कूल के ऊपर से पानी छत पर से जा रहा, रूम पूरा पानी जा रहा कि लोग भरा हुआ था। लक्ष्मी भी उसी में थे, लक्ष्मी फंस गई, फंस गई। एगो बाबा दो तीन लड़का था वो कहां स्कूल पर उधर बढ़ा दिया, कुछ को बांध पर बढ़ा दिया, एगो गोद में रखी हुई थी उसको लेकर बढ़ रही थी, पानी के बीच में पकड़ा गई। रात भर शाम हो गया था, धूप में एक होता है जिसे बौर के गाछ देखे बरगद का रस्सी ना लटका होता है, वो पकड़ करके वो दिन काटी रात भर, और बच्चा क्या हुआ हाथ वाला वो भी कब छूट गया उनके हाथ से पता नहीं था, यानी उसके हाथ में जो बेटा था वो भी मर गया, समझे दहा गया फंसा गया, कहीं कुछ पता नहीं है। जब इनका नींद खुला तो ये खोज रहे थे कहाँ गया बच्चा, नहीं मिला। लास्ट में क्या हुआ, एक लड़का कोई बच्चा छोटा मरा हुआ था, फूला हुआ था पूरा पानी हर पी के, आके इसके शरीर से टकराया था, उसको क्या समझा ये कि हमारा बेटा है। दूसरे का बच्चा कोई था, आदमी एक बच्चा था छोटा था, उसको लगा कि कोई हमारे बच्चा है, लेकर उसको क्या किया अपने गोदी लगा लिया, और छाती लगाना समझते हैं मतलब दूध पिलाने लगा अपना स्तन का बच्चे को, लेकिन वो बच्चा क्या था मरा हुआ था। बड़ा दर्दनाक कहानी यहाँ पर है, और फिर वो उपरांत उसको छोड़ देती है। फिर कुछ देर में देखती है बगल से वो गाय फूला हुआ है, पेट बड़का निकला हुआ है, मरा हुआ हिलत जा रहा है पानी में, सब लोग दिख रहा है बांध पर दे उतर के इधर उधर छिन्न फुट हो रहा है खान पीने, अच्युत कहाँ है कुछ पता नहीं है। और यही यहाँ के बाद कहानी देवे ने क्या, हमको भी इंटरेस्टेड था कि इतना आगे रहता कुछ कहानी तो पढ़ने का मौका मिलता, समझने का मौका मिलता, लेकिन आगे है ही नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक सुनने के बाद एक कहानी है, नॉर्मल सी कहानी था जो आपको समझ में आ गई होगी, बहुत ही अच्छा था, इंटरेस्टेड था, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछता है लक्ष्मी कौन थी, लक्ष्मी कौन थी, लक्ष्मी लक्ष्मण की पत्नी थी, यही होगा आंसर। और यह एक उड़ीसा की थी, और यह घटना सारा उड़ीसा का, याद देखिए देवी नदी किनारे, लक्ष्मी का घर किस नदी किनारे, देवी नदी किनारे, इसके बड़े बड़े लड़का क्या नाम था अच्युत, पढ़ाकू लड़का कौन था गुण निधि। इसके अलावा अगर आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लिखना चाहते हैं तो गूगल पे सर्च कीजिए MNC क्लासेस, फिर आपके सामने नया पेज ओपन होगा, उसमें जाने के बाद क्लास 10th पेज को ओपन करेंगे, उसमें सभी विषय का चैप्टर अनुसार ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दिया गया है, तो आप वहां पर एक बार चेक अवश्य करें। धन्यवाद।